हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुशो, मेरी चैनल टेक एंड पे सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में आप बताना शुरू करो उससे पहले और एक बात, कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन तो बाकी ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुँचे और आप वीडियो का एंजॉय कर पाओ। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई है। तो अब हम पहली अपडेट में आपको बताऊँ उससे पहले एक और ज़रूरी बात कि मैंने जो है iPhone 12 Pro Max और 11 Pro Max का जो है एक कंपैरिजन वीडियो जो है मैंने पहली बार बनाया है। हालांकि पहली बार बनाया इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने चैनल जो मैंने ये स्टार्ट किया था टेक ज्ञान चैनल, सो उसके बाद मैंने पहली बार किसी स्मार्टफोन के कंपैरिजन का वीडियो बनाया है। सो मुझे पता नहीं था किस तरह से बनाते हैं और मैं वैसे भी अभी बिगिनर हूँ, मैं सीख ही रहा हूँ किस तरह से वीडियो एडिट करते हैं, क्या करते हैं इसके अंदर और कैसे अच्छी इफेक्ट लाते हैं। सो मैंने क्या किया है कि iPhone 12 Pro और 11 Pro Max को कंपैरिजन की है मैंने अपनी तरह से, ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा रिव्यू बताने की मैंने कोशिश की है कि क्या आपको iPhone 12 Pro Max लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हालांकि टाइम अभी 2 महीने निकल गए हैं बट ठीक है, मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए ये वीडियो, तो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आएगा और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। साथ ही मैं अपकमिंग स्मार्टफोन का भी जो वीडियो है वो मैंने बनाया हुआ है, ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो आज जो पहली अपडेट निकल के आ रही है वो है मोटोरोला के स्मार्टफोन के बारे में। तो मोटोरोला नियो के बारे में पहले कुछ लीक्स निकल के आ रहे थे, स्नैपड्रैगन 865 एसओसी के साथ ही स्मार्टफोन आने वाला है, यानी कि फ्लैगशिप एसओसी इसके अंदर हमें मिलने वाला है। तो उसका जो है कभी नया 2021 में एक नया फोटो जो है वो निकल के आ गया है और कहा जा रहा है कि ये ओरिजिनल जो मोटोरोला का वॉलपेपर है उसी के साथ ये रेंडर निकल के आई, ये फोटो निकल के आया है, जिसके अंदर हमें फ्रंट स्क्रीन का ही जो है फोटो निकल के आया है, जिसके अंदर हमें दो पंच होल कटआउट देखने को मिल रहा है, यानी कि दो सेल्फी कैमरा के साथ ही स्मार्टफोन आने वाला है। अब देखते हैं कि इसके बारे में भी हमें और आगे क्या अपडेट मिल पाती है। अब हम जो दूसरे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के गैलेक्सी बड्स प्रो, जो कहा जा रहा था जिसके रेंडर्स भी आ चुके हैं, जो कहा जा रहा है कि S21 सीरीज के साथ लॉन्च होने वाले, तो अब कंपनी ने वो खुद कंफर्म कर दिए है। सैमसंग कनाडा की जो वेबसाइट है उन्होंने खुद अपने वेबसाइट के ऊपर जो है गैलेक्सी बड्स प्रो को लिस्ट किया हुआ, यानी कि अब ये कंफर्म है कि थोड़े वक्त के अंदर यानी कि S21 सीरीज के साथ जो है हमें गैलेक्सी बड्स प्रो लॉन्च होते हुए हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है ओप्पो के स्मार्टफोन के बारे में, ओप्पो रेनो 5 और 5 प्रो स्मार्टफोन जो है अब उन्होंने NBTC सर्टिफिकेशन जो है वो क्लियर कर दिया है, यानी कि बहुत जल्दी जो है ये थाईलैंड में लॉन्च होने वाले हैं। और बता दूं कि इसके साथ कि ये इंडिया में भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, यानी कि ऑल ओवर जो एशियन मार्केट जो है, इंडोनेशिया ले लो, थाईलैंड ले लो, दुबई है, तो ये सब एशियन कंट्रीज है, तो यहाँ पे अब बहुत जल्दी जो है इसी महीने के अंदर जो है हमें ये स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है आईफोन के बारे में, और आईफोन यानी कि फोल्डेबल आईफोन के बारे में। तो काफ़ी टाइम से ये रूमर चल रहा है कि एप्पल जो है वो टेस्टिंग कर रही है फोल्डेबल आईफोन के लिए, और नए नए जो है फोटोज़ भी सामने पहले आ चुके हैं जो मैं आपको टेक्निक्स के अंदर दिखा चुका हूँ। और उससे बाद जो ये भी अपडेट आई थी कि एप्पल ने जो है सैमसंग के पास से जो फोल्डेबल पैनल होती है डिस्प्ले वो भी जो है टेस्टिंग के लिए ली थी, और अब जो है ये रिपोर्ट निकल के आई है कि इंटरनल जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है वो दो आईफोन अलग अलग फोल्डेबल आईफोन के लिए जो है ऑलरेडी पास कर चुका है ये टेस्ट, यानी कि अब ये ऑलमोस्ट जैसे कन्फर्म ही समझ लीजिए कि हमें आगे जाके जो है हमें बहुत जल्दी एप्पल की तरफ से फोल्डेबल आईफोन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, विदाउट फोल्डेबल, नॉच भी है, फुल स्क्रीन भी नहीं है, बेजल्स भी मिलती है, और ऐसा आईफोन जो है हमें अगर 1,30,000 लाख रुपए के आईफोन मिल रहे तो सोचिए एप्पल का फोल्डेबल आईफोन आएगा तो स्टार्टिंग प्राइस क्या होगी, जस्ट इमेजिन। मुझे तो लगता है कि शायद 1.5 लाख से तो जो है शायद शुरू होगा, जैसे सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 2 स्टार्ट होता है। देखते हैं आगे इसके बारे में और हमें क्या अपडेट मिल पाती है। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। तो आज जो है इंटरनेट पे एक फ़ोटो निकल के आया है सैमसंग की तरफ से, सो उससे हम अंदाज़ा लगा रहा है कि बहुत जल्दी जो है यानी कि आने वाले नेक्स्ट वीक में हफ्ते के अंदर जो है हमें सैमसंग की तरफ से एक एम सीरीज़ का स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। और इसके बारे में जो है मैं ऑलरेडी आपको अपकमिंग स्मार्टफोन वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि F12 या फिर M12 के नाम से सैमसंग का एक स्मार्टफोन आने वाला है,
सो अगर वो वीडियो अभी भी आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया, आप जाके देख सकते हो। और ये जो स्मार्टफोन है M12, कहा जा रहा है कि शायद 7000 mAh की बैटरी के साथ आ सकता है, शायद मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट निकल के आई थी कि सबसे बड़ी बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। साथ ही मैं 6.7 इंच का कुछ जो है इन्फिनिटी वी एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है और एक्सिनोस 850 एसोसी के साथ साथ ही स्मार्टफोन आने वाला है और ये एक बजट स्मार्टफोन होने वाला। तो देखते हैं कि कौन सी डेट को और कौन सी प्राइस पे जो है सैमसंग अपना ये स्मार्टफोन लेके आती है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है iQOO की तरफ से। तो iQOO 7 जो है 11 जनवरी को तो लॉन्च होने ही वाला है और अब जो है iQOO की तरफ से एक फोटो निकल के आई है जिसके अंदर उन्होंने 2021 में जो है जिक्र किया है हेडफोन्स का, यानी कि iQOO 7 के साथ जो है कुछ नए हेडफोन्स जो है, नई डिज़ाइन वाले कुछ कह सकते हैं या फिर कोई नए टेक के साथ जो है iQOO एक नए अपने हेडफोन्स जो है वो लॉन्च करने वाली है। अब देखते हैं कि उसकी प्राइस क्या होती है और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्या iQOO 7 इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। मुझे लगता है आना तो चाहिए, बट देखते कि पहले चाइना में ये कौन से प्राइस पे लॉन्च होता है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है Mi 11 Pro का जो रेंडर निकल के आया है उसके बारे में है। सो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, हालांकि रेंडर कुछ इस तरह से कि हमें फ्रंट स्क्रीन तो दिख ही नहीं रहा है, बट जो कैमरा मॉड्यूल दिख रहा है ज़बरदस्त, बड़ा बड़े लेंस लग रहे हैं। और साथ ही में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 120x लिखा हुआ है जो सबसे बड़ा लेंस है, यानी कि पेरिस्कोप कैमरा जैसा वहाँ पे मॉड्यूल दिया गया हुआ है और 120x जूम शायद जो है हमें इसके अंदर मिलने वाला है। तो अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन जो है Xiaomi कब तक लॉन्च करती है, क्योंकि ये रेंडर देख के तो लगता है कि ज़बरदस्त जो है स्पेसिफिकेशन, कैमरा स्पेसिफिकेशन निकल के आने वाला है। अब देखते हैं कि कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ जो है Xiaomi ये Mi 11 Pro जो है वो लॉन्च कर दिया, और हालांकि मॉड्यूल जो है थोड़ा काफ़ी डिफरेंट दिया गया हुआ है Mi 11 से। सो देखते हैं कि कब तक ये स्मार्टफोन मार्केट में आता है। तो अब जो मैं आपको न्यूज़ बताने वाला हूँ वो टेक से रिलेटेड नहीं है, बट हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है कोरोना से, कोरोना वैक्सीन के बारे में है। तो हमारे जो केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने आज ये कन्फर्म कर दिया है, ये कह दिया है कि पूरे इंडिया में सबको जो कोरोना वैक्सीन है वो फ्री में मिलने वाली है, उसका कोई भी जो है वो चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी कि ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, इसका काफ़ी जगहों पे जो है पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है, शेयर मार्केट से लेके सभी जगह पे। क्यों? क्योंकि जिस भी कंपनी ने ये वैक्सीन बनाई है उससे ऐसे ही फ्री में ये सब नहीं मिला है, उसने काफ़ी रिसर्च किए, मेहनत की, कितने लोगों को पैसे दिए हैं, कितने लोगों को हायर किया हुआ है, कितने जात के टेस्ट डिफरेंट किए हुए हैं, उसके बाद जाके उनको ये सफलता मिली है। यानी कि ये वैक्सीन जो बनी है वो फ्री में नहीं बनी है, और आगे जाके भी जितने भी 130 करोड़ लोगों का हमारा देश है तो सबके लिए जो वैक्सीन बनाएंगे, जो भी चीज़ें उसमें यूज़ होगी वो फ्री तो नहीं मिलने वाली है, बट बहुत बड़ी बात है कि हम सबको जो है वैक्सीन फ्री मिलने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि शायद 2021 के स्टार्ट होने से ही जो है अब पूरी दुनिया में सबके लिए अच्छे दिन आना जो है वो शुरू हो गए हैं। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है सैमसंग के स्मार्ट टैग के बारे में। तो NCC सर्टिफिकेशन दौरान जो है उसकी जो है लीक इमेज जो है वो निकल के सामने आई है, और काफ़ी अच्छा और स्मॉल डिज़ाइन जो है वो देखा गया है सैमसंग टैग का, स्मार्ट टैग का। और ये जो है कहा जा रहा है कि सैमसंग S21 सीरीज़ के साथ ही जो है वो लॉन्च होने वाला है। अब देखते हैं कि S21 सीरीज़ के साथ लॉन्च होते हैं या फिर बाद में लॉन्च होते हैं, बट उसकी जो लीक्स इमेज निकल के आ रही है देखने में काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट लग रहा है, तो एक अच्छी बात है। देखते हैं कि कब तक ये लॉन्च होते हैं और कौन सी प्राइस पे सैमसंग जो है इसे लॉन्च करती है। तो अब जो मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ वो है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi के बारे में मैंने यस्टरडे टेक्निक्स में आपको जो कुछ फोल्डेबल फ़ोन की उसकी जो है तीन पैटर्न दिखाई थी, हालांकि उसमें जो है थोड़ा स्केच जैसा ही था, प्रॉपर डिज़ाइन नहीं था, बट अब बाय लेट्स गो डिजिटल जो है हमें ये पैटर्न्स मिल पाई है और इससे अब आप जो है स्क्रीन पर क्लियरली देख पाओगे तीन तरह की जो है पैटर्न Xiaomi ने जो है फाइल की है फोल्डेबल फ़ोन के लिए, और उसमें जो ऊपर और नीचे मॉडल 1 और मॉडल 2 लिखा हुआ है, मॉडल 1 और मॉडल 2 वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसमें कैमरा मॉडल का जो है वो डिफरेंस दिया गया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यानी कि ये एक ही डिज़ाइन के दो वेरिएंट है, यानी कि दो में से कोई एक जो है वो Xiaomi लॉन्च कर सकती है। हालांकि ये कन्फर्म है कि Xiaomi इस साल फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करने वाली है, बट तीन करेगी, एक करेगी, दो करेगी ये पता नहीं है, बट फॉर श्योर Xiaomi की तरफ से हमें 2021 में फोल्डेबल फ़ोन्स जो है वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अब जो मैं आपको आखिरी अपडेट बताने वाला हूँ वो भी है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi की तरफ से अगेन जो है पैटर्न सामने आई है बाय लेट्स गो डिजिटल कि Xiaomi ने जो है पैटर्न फाइल किया है सराउंडिंग डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन का। हालांकि सराउंडिंग डिस्प्ले यानी कि ऑलमोस्ट हम ईजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि पूरा जो है सिर्फ हमें फ़ोन में डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा, 360 डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। सो ये एक
मतलब एक डिफरेंट ही डिज़ाइन है। अब देखते हैं कि ये टेक वाला जो स्मार्टफोन है वो कब तक आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है अनबिल्ट इन कैमरा भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फोल्डेबल स्मार्टफोन, देन ये सराउंडिंग डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन, शाओमी ये कब तक लेके आती है? क्योंकि आप ओप्पो के पैटर्न्स देख लो, शाओमी के पैटर्न्स देख लो, सैमसंग की पैटर्न्स देख लो फोल्डेबल फ़ोन में, यानी कि कुछ अलग ही लेवल पे जो है कंपटीशन अब चला गया है टेक्नोलॉजी में। तो देखते हैं कि ये सारे फ़ोन जो है शाओमी कब तक लेके आती है और कब तक हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पे जाइए, मुझे वहाँ पे फॉलो करके आप पूछ सकते हो, मैं श्योर रिप्लाई दूंगा। मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, साथ ही में बेल का आइकन दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ अब तक सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुंचे, आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहनिए और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।